दोस्तों इंग्लिश से जुड़े कुछ वर्ड जो इस प्रकार है, कॉल मी बैक। दोस्तों कॉल मी बैक का हिंदी मतलब होता है मुझे वापस कॉल करना। दोस्तों जब आप बिजी रहते हैं तो दोस्तों जब अगला व्यक्ति आपको जो कॉल करता है तो कॉल रिसीव करके बोलते हैं कि मुझे वापस कॉल करना, मैं अभी व्यस्त हूँ। तो दोस्तों वहाँ आप कॉल मी बैक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टेक बाथ। दोस्तों टेक बाथ का हिंदी मतलब होता है नहा लो। दोस्तों किसी व्यक्ति द्वारा आपको कहना कि नहा लो तो दोस्तों वहाँ हम टेक बाथ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट टॉक नॉन सेंस। दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है बकवास बात मत करो। दोस्तों किसी व्यक्ति के सामने आप इरिलेवेंट बात करते हैं कि जिससे उसको काफ़ी थोड़ा गुस्सा आ जाता है तो दोस्तों डू नॉट टॉक नॉन सेंस कहता है कि बकवास बात मेरे सामने मत किया करो। दोस्तों वहाँ हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट लाइक डैट। दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है यह ऐसा नहीं है। दोस्तों जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि यह ऐसा काम करता है, ऐसी बात करता है तो बोलते हैं यह ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो दोस्तों वहाँ हम इट इज़ नॉट लाइक डैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आई एम सैड टू हीयर। दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है सुनकर बहुत दुख हुआ। दोस्तों कुछ ऐसी घटना किसी के साथ घट जाता है तो जब आपको वो बताता है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटा था तो बोलते हैं सुनकर बहुत दुख हुआ लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों वहाँ हम आई एम सैड टू हीयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डू इट अगेन। दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है इसे फिर से करें। दोस्तों जब भी आप किसी स्कूल कॉलेज या ऑफिस में होते हैं जब आप उस काम को करने में नाकाम हो जाते हैं तो दोस्तों आपको उत्साह और प्रोत्साहन दिया जाता उत्साह दिया जाता है कि आप इसे फिर से करें वो हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के लिए हम डू इट अगेन का यूज करते हैं।